क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, ठीक है। 56 में क्या है हमारा, द ग्राफ बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में कौन सा रिश्ता होगा। एन इज इक्वल टू एम वी आर, अब वी का मान कितना होता है ओमेगा आर, एम ओमेगा आर आर, एम ओमेगा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर वन, अच्छा 57 पे आते हैं। 57 ने क्या दिया हमारा, द मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द, ओके। अगर कोई बॉडी होता है, कोई मास रोटेट कर रहा है अपने पोजीशन पे, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसे वेरी करेगा, ओके। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि पता है, सही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कभी किए हैं क्या, अच्छा तभी तो आंसर इतना नहीं दे रहे हैं। 58 पे आते हैं, 58 में क्या दिया हुआ है, रिंग ऑफ मास 10 केजी एंड डायमीटर 0.4 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द 12 रोटेशन पर मिनट, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम बिटवीन, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो रिंग है, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अपना एक्सिस के तरफ क्या होगा, एम आर स्क्वायर, सिंपल सा, कितना होगा 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर, 4 तक का शून्य इंटू 10 इज इक्वल टू 1.6, ओके। ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही बना है, होना चाहिए एम आर स्क्वायर, तक शून्य, ठीक है। ये नहीं वाला कौन सा होगा, 58 का 0.4 के डी मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ डायमीटर है ना, वही तो मेरा कर, सॉरी डायमीटर है 0.4 मीटर, तो रेडियस होगा 0.2 मीटर ना, तो 0.2 का स्क्वायर 2 × 4 0.04, तो आपका मान कितना होगा 4, 0.4 होगा आपका आंसर, 0.4 के डी मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो काट दीजिए, अब 1 और 2 में से कोई भी चीज चूज करना पड़ेगा। अब हमारा एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आपका, आई ओमेगा, तो आई ओमेगा का मतलब 0.4 इंटू 1200, ऑप्शन नंबर वन, 1200 से गुना करिएगा इसको, 1200 इंटू 0.4, अच्छा। क्वेश्चन 59 पे आते हैं, 59 में क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 केजी मीटर स्क्वायर एंड 1 केजी मीटर स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो हमारा क्या है, दोनों बॉडी का कितना है कि कितना, मतलब सेम है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, एन स्क्वायर बाय 2i। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रूट का डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होगा, ओके। सॉरी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 आर सेम, जैसे हां एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना होगा, कितना होगा 9/1 का रूट, 9/1 का रूट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आंसर आया था, 1, ओके। 60 पे आते हैं, हाँ यहाँ पे क्या देखिए, ए फैन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.6 के डी मीटर स्क्वायर, आई का मान हमारा इतना है, टू रन अप टू ए वर्किंग स्पीड ऑफ 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन है, तो इसको रोटेशन कन्वर्ट कर दो, तो 0.5 इंटू 2 पाई
तो आपका आंसर कितना हो गया पाई, पाई रोटेशन पर सेकेंड इंडिकेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फैन। फैन का एंगुलर मोमेंटम कितना होने वाला है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा आई ओमेगा। ओके, आई का मान है कितना 0.6 और ओमेगा का मान कितना आपका पाई, तो कितना हो गया आपका 0.6 पाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका वन। ओके, 61 पैट है। अब बाकी सभी बना रहे हैं क्वेश्चन। ओके, ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, एक बॉडी जिसका मास एम है तो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के पैरेलल, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा। ओके, 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलली जो कोई मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होने वाला है, डज नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि इसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका चेंज नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन 62 पे आते हैं। 62 का क्या होगा हमारा, इन द ऑर्बिटल मोशन एंगुलर मोमेंटम फैक्टर इज द, एंगुलर मोमेंटम फैक्टर क्या है आपका, 62 का क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन या फिर क्या होगा, इन द ऑर्बिटल प्लेन पैरेलल टू द लीनियर प्लेन अलोंग द रेडियस प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन का परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आर क्रॉस पी। तो अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एम इंटू वी, तो इसका जो होगा डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर इस पे इससे करेंगे हम आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी करेंगे तो हमारा मान कितना होना है, परपेंडिकुलर ही होगा। दो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। 62 का ऑप्शन नंबर 4। 63 पार्ट है। टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हमारा आई है और टू आई है। अबाउट द एक्सिस रोटेशन, इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपका इक्वल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका सेम है, तो देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो देखो, जब काइनेटिक एनर्जी सेम होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तब आई या टू वाई, मतलब कितना होगा, 1/2 का रूट कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सबको बना रहे हैं कि सिर्फ एक ही आदमी बना रहे हैं, मेरे साथ भी बना, दिमाग को बनाइएगा तो काम करेगा। जैसे हमने एक और इतना सा क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन बिना आपके प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। सोचिए कि हो गया तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये टफ से हुआ, आपके टफ से क्या हुआ वो होना चाहिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज के आर रोट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बॉडी का कितना होने वाला है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय 2i। यहां से आपका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, √2ki। तो √2ki कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। कितना मिनट लगा, 65 पे आते हैं। 65 पे आपका क्या दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस ऑफ बेसन 0.21 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, इफ द एंगुलर स्पीड इज 10 रेडियन पर सेकंड देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी व्हाट। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आपका आई ओमेगा। तो यहां पे आई 10, आई कितना होगा एम के स्क्वायर, 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, और इसका स्पीड कितना है रेडियन पर सेकेंड, तो 10 रेडियन पर सेकेंड 10 से गुना कर दो, आपका कितना हो गया 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना ईजी हो गया। 66। ओके, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी इज रोटेटिंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 2 मीटर। अच्छा, यहाँ से कभी कभी ना आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन कभी कभी आप डायमीटर को उनको मिसनीड करके रेडियस समझिएगा, डायमीटर में इसको आधा करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही डायमीटर उसको आधा करना पड़ेगा तो आपका रेडियस कितना हो गया, 1 मीटर हो गया।
ओके एग्जाम में ये डाटा आते ही दिमाग में एक हो जाना चाहिए। अब इसका क्या करना है, रोटेशन इसका कितना, 10 रोटेशन इन 31.4 सेकेंड, ठीक है, 10 रोटेशन 10 रोटेशन इन 31.4 सेकेंड। इसका क्या हो पुत्र, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होने वाला है, ओके एंगुलर मोमेंटम कितना होने वाला है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा आपका आई ओमेगा। तो देखो यहाँ पे 31.4 है, तो मतलब इसको 2 पाई से मतलब गुणा करना पड़ेगा हमको रोटेशन को, ओके कितना होगा 1 इन एमआर स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या सर्किल है, तो इसका मान कितना होगा 1 × 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10 रोटेशन है, तो 10 × 2π / 31.4 मतलब कितना हुआ, इसको करोगे तो आपका मान कितना आएगा 3.14 × 10 लिख सकते हैं इसको, 31.4 को 3.14 × 10 लिख सकते हैं, और तो पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, तो पाई और 3.14 कट गया, और नीचे यहाँ बचा 2, ओके ये 10 से 10 कट गया, तो आपका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके ऐसा दिमाग में लगा सकते हैं फटाफट, समझा 67 पैटर्न, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन द प्लेन इन ए सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r, ए एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका रेडियस r है, और एंगुलर मोमेंटम इसका n है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होता है n² / 2i, और i का मान कितना होगा mr², ऑप्शन नंबर 3, ओके okay. एक चीज इसका खत्म हुआ, बट यहां तक हमने क्वेश्चन किया, किसी को दिक्कत, कितना मिनट लगा क्लास में इसको खत्म करने में, हमने एंगुलर मोमेंटम प्रिंट करने खत्म, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एनीबॉडी, बाकी सभी क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं, नहीं बनाते हैं, आते हैं 68 पे, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब कि टॉर्क आपका जीरो होगा, तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो क्या होगा आपका एम बी आर, ओके चाहे एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसी में से कुछ हो सकता है, आते हैं 68 में आते हैं, ए स्टोन अटैच टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रिवॉल्व अराउंड द स्टिक सो दैट द स्ट्रिंग बिंड अपॉन द स्टिक एंड गेट शॉर्टन, तो व्हाट इज कंजर्व, ओके इसमें क्या कर रहा है कि एक स्टोन है जिसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं विद द स्टिक, तो देखो इसमें एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 69 पे आते हैं, 69 में क्या है, रोटेटिंग टेबल कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 10 सेकंड, ये क्या कर रहा है कि एक रोटेशन को कमिट कर रहा है 10 सेकंड में, ठीक है, ओके पाई के फॉर्म में मतलब 2 पाई से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 × 2π / 10 ये हो गया आपका ओमेगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया 10 kgm² / पर्सन और 50 kg, ओके ऑफ मास स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग टेबल, रोटेटिंग टेबल के सेंटर पे 50 केजी का जो बॉडी वो रोटेटिंग है रखा हुआ, ठीक है, इफ द पर्सन मूव्स 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ओके 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर से ये दोटा मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसका तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग टेबल विल बी व्हाट, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क आपका जीरो है, तो आपका यहाँ पे क्या एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना, आपको देखना इसमें कंजर्व कितना होगा, तो देखो पहले 100 kg पहले आई कितना था 100 kg² और ये 10 सेकंड का है,
आपका ओमेगा का मान कितना होगा, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 2π/10। 2π/10 मतलब कितना हुआ 0.2π, तो ओमेगा का मान आपका 0.2π। ठीक है, तो शुरू का एंगुलर मोमेंटम आपका कितना हो गया 100 kgm² इंटू 0.2π। ओके, अब एक बॉडी 50 kg का है, दो ओके तो एक 50 kg का है वो गया, तो देखो अब एक का है 100 kgm² आई, और एक जो 50 kg का जो बॉडी होगा उसका आई कितना होगा, तब वो कितने मीटर तक गया, 50 kg का बॉडी तो गया 2 मीटर तक गया। ओके, तो 2 मीटर तक गया, तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट बॉडी को समझेंगे तो इसका होगा mr², तब उसका आई का मान कितना होगा आपका 50 × 2² और इंटू ओमेगा, तो आपका आई का मान कितना हो गया 100 और 2 × 4 और तो 2 × 4 कितना हो गया आपका 200 × ओमेगा 100 × 0.2π, तो आपका मान कितना हो गया 300 ओमेगा। ओके, तो आपका कितना हो गया, और यहाँ पे कितना लिखिएगा 100 × 0.2π, तो आपका कितना हो गया 100 से 100 कट गया, तो आपका कितना हो गया ओमेगा का मान हो गया 2π/30। और आंसर आपने वही बताया 2π/30, ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसको बनते सॉल्यूशन, मतलब बनाया हुआ बच्चा है, जिसने भी सॉल्यूशन दिया है कमेंट बॉक्स में मतलब बनाया है, तो इस तरह से बनाइएगा ना तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। 70 पे आते हैं, 100 बच्चा किसी कोचिंग पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि 100 बच्चा का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन एक बच्चा का होता है। जहाँ हम पढ़ते थे वहां भी लगभग 40-50 बच्चा था, तो सिलेक्शन कितना का हुआ, 2 टीम का मैक्सिमम, तो सिलेक्शन रेट हमेशा उतना ही होता है, 50 गो में से एक और दो सिलेक्शन होगा। जहाँ हम पढ़े थे कोचिंग में ग्रेविटी नाम है, सिलेक्शन हमेशा वो एक ही दो का होता है, ऐसा नहीं कि सबका हो जाएगा, बनाइएगा तब सिलेक्शन होगा। और उसे कुछ खास मेहनत नहीं करना है, जितना बताया गया कोई भी बुक का, एक पार्टिकुलर बुक का जो है उसको लेकर बनाइए, कोई कहेगा कि आप फंडा बनाइए ढिकना बनाइए, वो सब कुछ नहीं, इनका मॉड्यूल है उसी को अच्छे से बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कोई भी मॉड्यूल से बनाइए, कोई बुक से बनाइए, एक बुक से बनाइए, बहुत सब में कंसेप्ट सेम होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलर रहिए। अनमेंटिंग ऑफ आइस ऑन द पोल ऑफ द अर्थ, अब अर्थ में क्या कर रहा है, आइस मेंट कर रहा है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तब देखो कोई भी चीज, देखो कोई भी मास पड़ने सेंटर पे था तो मेंट करके क्या देगा, पेरिफेरी पे जाएगा, और जब जब पेरिफेरी पे जाएगा तो क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, जब रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो मेंटिंग करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी से घटेगा, समझे हैं? ओके, क्योंकि बेंड करने का मास तो पेरिफेरी पे गया ना, और सेंटर पे रोटेट कर रहा है। हाँ, 71 पे आते हैं। इफ अर्थ लूजेस इट्स एटमॉस्फेयर सडनली, अगर अर्थ जो अपने एटमॉस्फेयर को तुरंत दो टाइम लूज कर देगा, देन ड्यूरेशन ऑफ डे, तो डे का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, एटमॉस्फेयर लूज कर जाएगा, तो अगर एटमॉस्फेयर लूज कर जाएगा तब मास जो है, अगर एटमॉस्फेयर जो आपका जो खत्म हो गया, तो दो बॉडी दो सिर्फ एटमॉस्फेयर पे था, वो बॉडी एटमॉस्फेयर से बाहर जाने लगेगा, जब एटमॉस्फेयर से बाहर जाने लगेगा तो क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, टाइम पीरियड घटेगा। ओके, हाँ, तो यहाँ
अगर एटमॉस्फेयर लूज यूज कर जाएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुरंत मतलब क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा और इसका जो टाइम पीरियड करेगा वो बढ़ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर टू दिया है 71 का टू। अगर एटमॉस्फेयर अपना अपना एटमॉस्फेयर लूज कर जाएगा अगर, तो उसका टाइम पीरियड दो टाइम वो बढ़ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ डे, क्योंकि यहाँ पे आपका ओमेगा बढ़ रुक सॉरी मैंने क्या बोल दिया, नहीं उससे क्या कर? जब पार्टिकल बाहर जाएगा तो आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और ओमेगा घटेगा मतलब 2π/T मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा। सही है, नहीं इसके पढ़ने वाला सही है, इसका पढ़ने वाला सही था इसमें कि इसमें क्या आई घटेगा ओमेगा बढ़ेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा घटेगा। हाँ सही है ऑप्शन नंबर टू। ओके एटमॉस्फेयर को लूज कर देने से क्या होगा, इसका आई दोटा वो घट जाएगा, आई के घटने से ओमेगा बढ़ जाएगा और ओमेगा के बढ़ने से टाइम पीरियड का घट जाएगा। सेवेंटी टू में आते हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसको याद ही करना है। ओके क्योंकि हमको क्या पता कि एटमॉस्फेयर के जो टहा खत्म होने से क्या होगा, तो वो आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन से समझ आएगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना अच्छा होगा। 72 की बात करते हैं। ए विंड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, एक विंड जो है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, बट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आपका क्या कांस्टेंट है। इफ सडनली एन ऑब्जेक्ट स्टिक टू इट ऑन द रिम देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट। तो देखो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है और पेरिफेरी में कोई बॉडी आपका स्टिक कर गया, पेरिफेरी में कोई बॉडी आपका स्टिक कर गया तो उसमें क्या होगा, आई बढ़ेगा ना, मास बढ़ा और डिस्टेंस बढ़ा, आई बढ़ा तो आई बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात क्या करें तो इसको बढ़ेगा, इंक्रीज कर गया। हाँ अब 73 पे आते हैं। इन द अबव क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ओके 74 An ant is sitting at the edge of the rotating disc. एक दो चींटी है। एक चींटी है वो क्या बैठा हुआ आपका कांप इज पे ऑफ रोटेटिंग डिस्क। इफ ant reaches the other end, ant जो था दूसरे end पे पहुंच गया after moving along the diameter, ठीक है, तो एक end से दूसरे end पे चला गया, sitting एक छोर से दूसरे छोर पे चला गया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो एक यहाँ पे डिस्क है और डिस्क में जब पेरिफेरी से सेंटर पे जाएगा तो क्या होगा, आई आपका घटेगा क्योंकि मास जो है आपका मास का डिस्टेंस घट रहा है सेंटर से। तो पढ़ना में क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात कर रहा है, तो मतलब जब पेरिफेरी से सेंटर पे गया तो आई घटा मतलब ओमेगा बढ़ा, तो सबसे पहले ओमेगा बढ़ेगा और फिर पेरिफेरी पे जाएगा, तो पेरिफेरी पे जाएगा तो आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या करेगा घटेगा, तो देन घटेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब तिथि से आगे बढ़ना है। हाँ अब देखिए हमारे डांसर आ गया देखिए, अ डांसर ऑन आइस स्पिन फास्टर व्हेन शी फुंड हर आर्म दिस इज ड्यू टू। देखो अगर कोई भी छोटा डांसर अपना आर्म को फुंड कर लेता है तो डांस ज्यादा क्यों करता है, क्योंकि मास क्या हो गया, मास का डिस्टेंस कम गया, तो मास का डिस्टेंस कमेगा तो आई क्या करेगा कमेगा, और अगर आई कमेगा तो ओमेगा बढ़ेगा,
तो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड इंक्रीज इन कंटीन्यूटी। ओके क्या बोले आप थर्ड? तो देखो इसमें हमने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, सही है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, आई हमारा घटेगा, आई घटेगा तो मतलब ए स्क्वायर बाई टू आई, मतलब आई घटेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। ओके तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3? 76 की बात करते हैं, 76। ए यूनिफॉर्म हेवी डिस्क इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इफ एन बी इट्स एंगुलर मोमेंटम। अगर एन हुआ आपका एंगुलर मोमेंटम, ए लंप ऑफ प्लास्टिसिन इज ड्रॉप जेंटली वर्टिकली ऑन द एज ऑफ द डिस्क एंड स्टिक टू इट द विड्थ ऑफ द फ्लोइंग बीन चेंज। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन 76 में क्या है कि एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कोई कुछ कोई मूव कर रहा है और डिस्क पे, और डिस्क का पेरिफेरी पे हम एक मास थोड़ा सा गिरा दिए, थोड़ा सा मास के बढ़ने से क्या होगा, आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। ओके तो ओमेगा घटेगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। ओके एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा तो कौन सा होगा 76 का, चेंज क्या कर रहा, चेंज क्या कर रहा आपका, बढ़ेगा तो घटेगा, तो चेंज कौन सा होगा ऑप्शन, आपके ऑप्शन कौन सा, पेरिफेरी पे मास बढ़ने से क्या होगा, आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। ओके सिर्फ इसका आपका ओमेगा चेंज करेगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। 77 पे आते हैं, the angular momentum of a body remain conserved if angular momentum to the body ka conserve hoga kab, the applied force is zero, applied torque is zero, matlab yahan pe torque ki baat karenge hum, sir torque aapka zero hoga tab, okay when your torque is zero then angular momentum is constant। okay तो इतना सारा क्वेश्चन है बाकी। ओके देखते हैं कहाँ तक बनता है। 78 पे आते हैं, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर प्लेटफॉर्म। ओके ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे जो था एक आदमी जो था खड़ा है, विच इज मूविंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अपने प्लेन का क्या है, परपेंडिकुलर है और सेंटर से ये पास कर रहा है। इफ पर्सन इज मूविंग अलोंग एनी रेडियस टुवर्ड्स द एक्सिस रोटेशन, अगर पर्सन जो है मूव कर रहा है रेडियस की तरफ, ठीक है, देन द एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो जब आदमी जाएगा पेरिफेरी के तरफ आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा मतलब ओमेगा घटेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। अच्छा ओके एक एक बार में 79 सब उसी पे बना हुआ है। हाँ अब क्या है कि थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पीटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा है, ठीक है, और सर्कुलर रिंग है, ठीक है, then the four object of width of mass m are kept at a gently on the opposite side of the two perpendicular diameter of the ring। चार गो मतलब ये आपका है रिंग है, इसका मास m है और इसका जो है पेरिफेरी पे चार गो मास हम रख दिए, तो बताइए बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाद का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो शुरू में कितना होगा mr स्क्वायर * ओमेगा एंगुलर मोमेंटम, बाद में कितना होगा mr स्क्वायर ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और चार बॉडी है तो चार का कितना होगा 4 छोटा m r स्क्वायर * ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश का मान कितना होगा, नीचे में 4m होना चाहिए, ऊपर में m ओमेगा होना चाहिए, नीचे में 4m और प्लस m होना चाहिए, तो कौन सा आपका मान होगा
कौन सा मान लिखिएगा आप? ऑप्शन नंबर टू 79 का। ओके 80 पैटर्न। ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू, ए राउंड डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आपका आई टू है, अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन डिस्क के प्लेन का परपेंडिकुलर जो है सेंटर इज प्लेस ओवर अनदर डिस्क, अनदर डिस्क पे जो आपका सेंटर प्लेस है। ओके ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन रोटेटिंग बीट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा है, अबाउट द सेम एक्सिस, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइनिंग डिस्क, दोनों डिस्क का कंबाइन का कितना होगा। ओके तो देखो शुरू में कितना आई टू है, तो देखो शुरू में आई टू है वो रोटेट कर रहा है तो उसका आई टू ओमेगा, तो बाद में एक आई वन लगा दिए तो आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा डैश, तो आपका मान कितना होगा ऊपर में आई टू ओमेगा। ऑप्शन नंबर फोर कितना, नहीं सॉरी आई वन रोटेट कर रहा है ना, सॉरी आई वन रोटेट कर रहा है, आई वन रोटेट कर रहा है ओमेगा से ऊपर से आई आई टू लगा आई वन ओमेगा, और ऑप्शन नंबर टू होगा और क्या। ओके 81 पे आते हैं, a dancer standing on a rotating platform taking two sphere on her hand, if she drops down her sphere on the ground then the dancer, अब देखो मास जो है वो घट गया पेरिफेरी पे, पेरिफेरी से on her hand taking two sphere on her hand, if she drops down the sphere on the ground then the, अगर मास घट गया तो आपका आई घटा, आई घटा मतलब ओमेगा बड़ा, तो देन एंगुलर मोमेंटम बोथ देन अंतिम देन एंगुलर वेलोसिटी बीन इंक्रीज, ऑप्शन नंबर वन एंगुलर मोमेंटम अंतिम एंड एंगुलर वेलोसिटी बीन इंक्रीज, ये तो मोस्ट एप्रोप्रिएट थर्ड होगा, मतलब इसमें दोनों बात कर रहा है, तो वन भी सही है और थ्री भी सही है और अपने स्टेटमेंट में, लेकिन थ्री दादा से होगा क्योंकि इसमें दोनों पार्ट का एंगुलर मोमेंटम अंतिम होगा। ओके 40 भी पार्ट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं टॉर्क, ऑप्शन नंबर फोर। ओके तो इस तरह से जो है आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया, अब कितना तीन क्वेश्चन बचा इसमें से। ओके बाकी अभी इसको खुद से बना लीजिएगा, ज्यादा बचा भी नहीं है, हमने जो है इतना तो कम्प्लीट करवा दिया कि आपको जो है एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपको जो है एक एंगुलर मोमेंटम का नहीं छूटेगा और दूसरा आपका नहीं छूटेगा किसका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, ओके okay?